गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 3, क्योंकि हम लोग ग्रैनी 2 में एस्केप कर चुके हैं, तो अब से हम लोग ग्रैनी 3 में एस्केप करेंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं गेम के अंदर। और यार एक चीज बताओ, इसमें ग्रैंडपा शॉटगन भी चलाता है, मतलब जरा ये देखो। हाँ, तो इससे भी संभल के रहना, हम लोग इसकी शॉटगन छीन सकते हैं, हम लोग छीनेंगे भी। लेट्स गो, चलते हैं गेम के अंदर। ओके, लोडिंग होने में थोड़ा कम टाइम लगा है एज कम्पेयर टू ग्रैनी चैप्टर 2। ओके, इतना जल्दी डे 1 भी लिख कर आ गया। ओके, यहाँ हम लोग का प्लेयर एकदम अच्छे से लोड हो चुका है। ये हम लोग के बगल में क्या लगा है, ये एकदम फालतू है। ओह, लॉक पिक, ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग में यार धीरे खुलता है, मैंने सुना यार, गेम तो पहली बार खेल रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे पता है मुझे स्टार्टिंग में क्या करना है। यहाँ पे जल्दी से पहले इसे खोलते हैं, ठीक है, जल्दी से इसे खोल के यहाँ पे भागते हैं। एंड अभी मैं देखो यार क्या करने वाला हूँ, मतलब इधर यार कुछ साउंड करने के लिए पड़ा होगा। एंड ओए, ये क्या है? अब तेरी ये तो साउंड कर रहा है भाई, ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों को बुला लेगा ये तो। अबे छुपना पड़ेगा यार, इसने तो साउंड कर दिया। अबे तेरी तो इसने ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों को बुला दिया, लेकिन ये हम लोग के लिए फायदे की बात है भाई। मैं इधर से भाग गया भाई साहब, यहाँ पे वेपन की मिल गई, ठीक है। वेपन से मुझे ऊपर वाला वेपन तो जल्दी से खोलना ही है। ये किसने खोला है भाई, इसने तो पहले से खोल के रखा, ठीक है। मुझे लॉकपिक से खोलने में टाइम नहीं लगेगा, तो अभी पहले जल्दी से यार एक स्टोन मिल जाए मुझे। स्टोन से ग्रैंडपा के सर पे एक मारना है, ठीक है। ये रहा एक स्टोन, एंड अभी मैं इसे जल्दी से करने वाला हूँ पिकअप। आजा मेरे प्यारे स्टोन, ठीक है। एक स्टोन मेरी इन्वेंट्री में कलेक्ट हो गया। जल्दी अभी इसे चलते हैं वेपन के पास। वेपन में क्या होता है, बस लाइन शॉट होता है वैसे, लेकिन वो भी बहुत काम का होता है। भाई स्लेडरी ना छोड़ दे यार, मेरी जान है, ठीक है। अभी जल्दी से यहाँ पे भागते हैं, एलिवेटर को करते हैं ऑन, और इससे जाते हैं बाहर, मतलब इससे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। ओके यार, मुझे इस वाले फ्लोर पे आना है। कुछ रखा है क्या? अबे एकदम बदतमीज यार ये लोग, कुछ नहीं रखते यहाँ पे कभी। मतलब यार एक बार मुझे यहाँ पे क्या ही बताया यार, कुछ इसमें याद ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी पहली बार खेल रहा हूँ, तो मैं अपनी यादें क्या इस गेम की बताऊँ। तो मैं कुछ इसमें बता नहीं सकता कि भाई मैंने ये किया वो किया। मतलब ग्रैनी चैप्टर 2 मैंने एक बार पहले खेल रखा था, लेकिन हाँ ये वाला गेम मैं पहली बार खेल रहा हूँ ग्रैनी चैप्टर 3, क्योंकि यार ये चैप्टर 3 उस चैप्टर 2 से भी ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब यार देख सकते हो इसके मैप्स, लेकिन भाई मुझे अच्छे से एकदम पता है, मतलब मैंने यार यूट्यूब में इसे देख रखा है। मतलब यार खेलने से पहले गेम्स देखना चाहिए, तो ये चीज़ इसकी मेरी हैबिट है। एंड ग्रैनी ग्रैंडपा कोई है यहाँ पे? मुझे बस एक बार ग्रैंडपा को मारना और उसकी शॉटगन छीननी है। नहीं नहीं नहीं, ग्रैनी से पंगा नहीं लेना है यार, ग्रैंडपा से लेना है, ठीक है। ग्रैंडपा को एक सर पे मुझे मारना है। ओके, अच्छी बात है ग्रैनी भाग गई, मुझे भी मेन ग्रैंडपा को मारना है, फिर उसकी शॉटगन छीन के फिर से मुझे ग्रैनी को भी मारना है। एंड ग्रैंडपा क्यों नहीं आया यार? आजा आजा भाई, रुला मत देना भाई, आ ही नहीं रहा, ये क्या बात हुई? चलना मेरा प्लेयर तू जीता रहे भाई, तूने स्लाइंग शॉट ले रखा है। ओह, तेरी तो डरा दिया एकदम मुझे भाई इसने। अब भाई मैं ग्रैंडपा से डर रहा हूँ भाई, मेरे पास कुछ नहीं है उसे हराने के लिए, ठीक है। अभी एक स्टोन उठाना पड़ेगा सब, उस पागल ग्रैनी है मैंने यूज कर लिया। एंड यार उसे भी अभी सिर्फ चक्कर आया, वो 2 मिनट के लिए भी नहीं मरी। अब भाई यार ग्रैंडपा कहाँ से आ गया यार, जब मिलना था तब तो ये मिला नहीं मुझे, अब मिल गया ये, ठीक है यार। अभी ऐसा एकदम नहीं होना है। अबे ग्रैनी पागल, ठीक है यार ये तो मरवा देगी यार मुझे। ओ स्टोन, कहाँ भी स्टोन यार, मुझे लगा जैसे स्टोन है, ठीक है। अभी स्टोन ढूंढते हैं यार, यहाँ पे स्टोन मिल गया, ठीक है। अभी अभी ग्रैंडपा इधर से गया है, तो वो यहाँ पे आसपास ही होना चाहिए। और ओए ग्रैंडपा इधर आसपास ही होगा ना, अभी अभी इधर ही से गया है। मैं उसको सीधा हेडशॉट वेडशॉट मारना बाहर में जाए, उससे पहले वो मुझे अपनी शॉटगन से ना मार दे, ठीक है। यस यस यस, जल्दी पिट, अबे मारना मत यार। हाँ ठीक है यार, मैं छुप गया था, अगर इसने मार भी डाला होता। दे इधर शॉटगन, बच्चा है तू, भी बच्चों जैसी हरकत करना, शॉटगन चला रहा है, ठीक है। और अभी तू ग्रैनी कहाँ है? ग्रैनी देख भाई, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, मुझे पता है अभी तू अलाइव है, ठीक है यार। अभी थोड़ा ग्रैनी को तसल्ली नहीं हो रही, वो सोच रही है भाई मेरे को उल्लू बना लेगी, इसे ये बात पता नहीं है कि भाई मुझे वो क्या बोलते हैं भाई, मुश्किल बना उल्लू बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ग्रैनी भाई यार ट्रेन की भी मिल गई, ठीक है। अभी अभी अब स्टोन भर भर के दिख रहे हैं, पहले तो दिख नहीं रहे थे, ठीक है। एक स्टोन मैंने यहाँ से उठाया, एक और उठा लेता हूँ,
ग्रैनी पीछे से आके ये मत बोलना भाई, मैं तो तुझे कब से उल्लू बना रही थी, मुझे पता है तू मुझे उल्लू बना रही है, तू जिंदा हो चुकी है। अबे 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 मार दिया मार दिया, नहीं नहीं मार दिया मार दिया, नहीं 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 भाई मैंने मारा भाई, ग्रैनी एकदम इसने डरा दिया, ये कब आई भाई पता ही नहीं चला। ठीक है तो भाई मुझे पता था ये कुछ ऐसा ही मेरे साथ करने वाली है, जल्दी आना शॉटगन की एमओ, ठीक है तू मर भाई एकदम इस पागल ने मुझे डरा ही दिया, मतलब एक मेरे से शॉटगन की एमओ फालतू में शॉट मतलब फायर हो गई। ओके यार अभी गेम काफी सही मेरा वॉक कर रहा है, एंड अभी इसे एक मारना इधर ठीक है, और इसके अंदर अभी जंप करके मुझे जाना है, एंड यहाँ क्रोबार हर बार पड़ा होता है, मतलब ये मुझे बात पता है यहाँ पे हमेशा क्रोबार पड़ा होता है। ठीक है क्रोबार को उठा के मैं यहाँ से एक बार बाहर ड्रॉप कर देता हूँ, ऐसा ना हो ना कि इधर ग्रैंड पाए और बोल दे कि भाई मेरी शॉटगन कहाँ है, और एक थप्पड़ मार के अपनी शॉटगन मेरे से ले ले। ठीक है ओ टेडी, टेडी का मेन यूज है इस गेम में, बट यार उससे पहले एक बार मुझे शॉटगन को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक बार ग्रैंडपा को दिख गया या अगर इसके होते हुए मैं शॉटगन यहाँ होते हुए मैं मर गया तो फिर ये सब ग्रैंडपा का हो जाएगा। अबे शॉटगन कहाँ गई, ग्रैंडपा ने उठा लिया क्या, ये चीटिंग है भाई, मुझे अच्छे से याद है भाई ग्रैंडपा इधर नहीं आया था। अबे इसके पीछे तो नहीं है, अबे कहाँ है, खा गया क्या। अबे स्लेडरी ना अभी तेरे लिए टेडी लेकर आ रहा हूँ, अभी मुझे परेशान क्यों कर रही है। खैर अभी शॉटगन तो मिल नहीं रही है, काम करता हूँ मैं जल्दी से टेडी लेकर ऊपर पहुंच जाता हूँ, मतलब मुझे उसके क्रिब में इसे डालना होगा, मतलब भाई मैं फुल जानता हूँ कैसे ये सब करना होता है। अबे एलिवेटर को भी अभी तक मैंने नीचे नहीं बुलाया, अब अगर ग्रैंडी ग्रैंड पा आए ना तो मैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से पीटूंगा, गंदी नहीं अच्छी तरीके से, मतलब भाई वो लोग मुझे इस साइड का भी नहीं छोड़ेंगे उस साइड का भी नहीं। बाकी इसमें ओ इसमें कोकोनट पड़ा है, ठीक है भाई कोकोनट का भी काम है लेकिन अभी नहीं है, बस बात ये है। स्लाइंग शॉट, ठीक है स्लाइंग शॉट मुझे मिल चुकी है अभी, और आजा आजा ग्रैनी तेरा इंतजार कर रहा हूँ कब से, और एकदम इसके माथे पे एक मारा और अभी ये मर चुकी है एकदम अच्छे से। बाकी अपने ग्रैंडपा को बुलाया और उसने पता है मेरी क्या की, उसने मेरी शॉटगन ले ली है, मुझे इस पे पूरा भरोसा है कि शॉटगन ग्रैंडपा भी मेरे से ले चुका है, एंड भाई वो थोड़ी देर में मेरे को एक मारने वाला है। अबे नहीं लिया है तूने, नहीं लिया तो भाई किसने लिया है जल्दी बता, वरना तेरे को भी स्लाइंग शॉट तुम लोगों के लिए बहुत है यार, तुम लोग इतने डफाज हो ना। ठीक है 2.5 मिनट के लिए मर गया और यहाँ पे 2 स्टोन्स उठा लेता, एक काम करता है यार भाड़ में जाए सारे काम, पहले इसका टेडी दे देता हूँ क्योंकि भाई ये मुझे हर बात पे परेशान कर रही है, मतलब कभी ग्रैनी ग्रैंडपा से युद्ध हो रहा और ये बीच में आई ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ तो मैं गया काम से, तो जल्दी से एक बार इसका टेडी से दे देता हूँ। ओके यार ओहो इतना अच्छा म्यूजिक बज रहा है, ये क्या है, ओके ये क्या करना चाह रही है, अरे कुछ तो कर, कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रही। ओह ये क्या पेडलॉक की, ओके मुझे यहाँ से पेडलॉक की भी मिल चुकी है, एंड एक काम करता हूँ मैं अभी इसके साथ साथ खुद भी लिफ्ट के साथ मैं नीचे चला जाता हूँ, क्योंकि अभी पहले अभी इस पेडलॉक की का मुझे कोई काम नहीं है, एक काम करता हूँ अभी मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ, एक काम कर ऊपर आ, एलिवेटर में भाई कभी कभी कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं, एक बार मेरी से पता नहीं शॉटगन कहाँ रख दी थी, थोड़ी देर बाद देखा दीवार के पीछे थी, एंड अभी जल्दी ग्राउंड फ्लोर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है अब जाके आया ये, बाकी पहले नहीं आ रहा था पता नहीं क्यों। तो यार अभी पता नहीं शॉटगन तो कहाँ गई, यार उसे छोड़ो अभी एक और बार मैं लास्ट टाइम शॉटगन ढूंढ लेता हूँ, मतलब अभी मुझे क्या करना है ना क्रोबार लेकर ऊपर आना है, टेडी दे दिया मुझे स्लेडरीना कभी जिंदगी में परेशान नहीं करेगी, हमेशा के लिए गई, जैसे अभी लिख कर आया था ना स्लेडरीना इज नाउ गोन, तो कुछ ऐसा वैसा भी नहीं लिख के आया 4 2 मिनट 3 मिनट, ये हमेशा के लिए यहाँ से चली जा चुकी है। ठीक है तो अभी अभी शॉटगन कहाँ है यार, ऐसी कौन सी जगह पे रेंडर हो गई, मतलब कौन सी जगह पे गिरी यार, इधर तो बिल्कुल ही नहीं है, एंड तू रोबोट चिल्ला ले भाई तेरा काम ही क्या है इसके अलावा। ठीक है तो अभी सेफ की इधर से उठा के मैं इसे थोड़ा बाहर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन अभी मुझे क्या करना है ना मेन इसे क्रोबार ले जाना है, ठीक है क्रोबार से ऊपर वाला, तू आया क्यों नहीं मेरे हाथ में, ज्यादा तेरे को मेरी बॉडी पसंद नहीं आ रही, थोड़ा घायल हो गए घर जाके एकदम स्वस्थ जाऊंगा मैं। वेट यार अभी मुझे ग्रैनी ने देख लिया, एंड अभी मुझे कुछ शरारत करनी पड़ेगी, पहले तो एक काम करता हूँ मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ, वरना अभी तो मैं अनसेफ हूँ, शॉटगन तो पक्का ग्रैंडपा के पास आई गई होगी। ओके ग्रैनी आ गई, ग्रैंडपा को लाती ना यार, पगलेट एक नंबर की है ये क्या बात हुई, फिर आ गई, ग्रैंडपा से मैं पिटा हूँ अभी, और यार क्रोबार भी इधर ही गिर गया भाई, यार अभी तक एक बार भी नहीं मरा था,
मुझे इसकी यार शॉटगन नहीं मिल रही और ये ग्रैंडपा के पास भी नहीं है। अभी इसके पास आ चुकी है, खैर ये बस अगर यार थोड़ा वेट कर लेता ना तो ये ग्रैंडपा आ चुका होता और मैं अपना मजे से भाग जाता, लेकिन मैं पागल हूँ। चलो यार ग्रैनी 3 में पिटने से कुछ नहीं होता, ग्रैनी 2 में मैं एक बार भी नहीं मरा हूँ तीनों एस्केप्स में, ग्रैनी 3 में कुछ नहीं जाता। अभी अगर मैं एस्केप ना भी कर पाऊँ ना तो यार अगली वीडियोज में तो कर ही लूंगा। अच्छा फिर रोबोट चिल्ला, अबे टाइम नहीं है, एक काम करता हूँ तब तक ट्रेन के ना ये 2 इलेक्ट्रिसिटीज भी ऊपर कर देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी तो देती होगी ना, क्योंकि ट्रेन को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है चलने के लिए। ठीक है अभी जल्दी यहाँ से भागते हैं, और क्रोबार पड़ा है, ऐसा ना होना कि क्रोबार की वजह से अंदर ना घुस पाऊँ। ठीक है ऐसा नहीं है, आवाजा क्रोबार मेरे मरने के बाद अब वो शॉटगन तो इसके पास आ ही गई होगी, ग्रैंडपा के पास ऐसा ही होता है, इसमें मतलब मरने के बाद शॉटगन इसके पास आ जाती है। मेरे लिए भी अच्छी बात है यार, क्योंकि शॉटगन गेम वालों ने कुछ ग्लिच से घुमा दिया है। एंड ग्रैनी आ गई, ग्रैंडपा नहीं आया। ओके मैंने कहा था ग्रैंडपा के पास अभी शॉटगन आ चुकी है, एंड अभी मुझे जल्दी से यहाँ से भागना है। स्लाइंग शॉट मैंने शायद से एलिवेटर में ही छोड़ा हुआ है ना, ठीक है अगर एलिवेटर में मैंने छोड़ा है तो अच्छी बात है, वरना फिर उसे भी ढूंढने के लिए अलग से मुझे जाना पड़ेगा। तो वैसे मुझे टॉप फ्लोर पे जाना है तो मुझे ग्रैनी ग्रैंडपा को एक बार मारना भी नहीं पड़ेगा, मतलब बस मुझे अपना कर जाना है। भाई अगर लिफ्ट के दौरान ग्रैनी आई तो कोई बात नहीं, अगर ग्रैंडपा ने देख लिया ना सीधा अपनी शॉटगन चला देगा। ठीक है जल्दी यहाँ पे चलते हैं, मैं अपनी शॉट अपनी वो भी लेकर आ गया दोनों वेसल्स गिराने के लिए। ठीक है इन्हें गिराना जरूरी होता है। अरे अबे यार पता था कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा ग्लिच होगा। एक काम करता हूँ पहले मैं क्रोबार से इसे खोल डालता हूँ, एंड ग्रैंडपा ने यह भाई इलेक्ट्रिक स्विच मिल चुकी है। ठीक है ये अपने एस्केप में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, एंड अभी मैं यहाँ से इसे नीचे ड्रॉप कर देता हूँ। पहले तो यार मुझे ग्रैंडपा को मारना पड़ेगा, ग्रैनी को मारना कोई जरूरी काम नहीं है, एंड अभी मुझे यहाँ से कूदना भी कोई जरूरी काम नहीं है, मतलब इस वाले फ्लोर पे लैंड नहीं करना है, अभी सीधा नीचे चलना है। और यार एक बार बस लाइन शॉट फिर आ जाए मेरे हाथ में। हाँ ओके तो ये अच्छे से रेंडर नहीं हो पा रही। ठीक है स्लाइम शॉट मेरे पास आ चुकी है, एंड ग्रैनी भी तो नहीं आ चुकी है ना, क्योंकि यार मैंने इधर शोर किया था पहले ये स्लाइम शॉट भेगा फिर क्रोबार उठाने गया, क्योंकि मैं इसे लेकर ही नहीं आया था एक्चुअली। ठीक है इलेक्ट्रिक स्विच भाई अब तू डिसअपियर मत हो जाना, मतलब यार जब तक ये लोग रहेंगे ना थोड़ी संतुष्टि होगी। ओ अरे यार स्लाइम शॉट नीचे गिर गया, वही तो मेन है, फिर नीचे जाना। ओके यार अभी मैंने बीच में इधर फेंका हुआ, इधर चले क्या, चलो छोड़ो यहाँ पे नहीं चलते, मैं भी स्लाइंग शॉट लेके फिर आया हूँ टॉप फ्लोर पे, पता ही है मेरे साथ बीच में फिर क्या हुआ होगा। तो ठीक है अभी अरे जल्दी आया यार गिर, मतलब गिराना है इसे। ठीक है मैंने जैसे ही इसे एक ऐसे मारा ये सीधा नीचे गिरा, और हाँ ओके अच्छी बात है उस वाले सेंटर वाले रूम में नहीं गिरा। एंड अभी मुझे ग्रैनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रैंडपा से भाई ये मैं तो भूल ही गया ग्रैंडपा के पास शॉटगन है। वैसे अगर मेरे हाथ शॉटगन आ गई ना तो भी मेरे लिए इजी हो जाएगा, मतलब शॉटगन से भी स्लाइंग शॉट मतलब शॉटगन से भी गिरता है। ठीक है अभी जल्दी से पहले ग्रैंडपा को मुझे मारना है, एंड ग्रैंडपा मुझे कहाँ मिलेगा इसकी मैं कोई मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। ओ इधर ही है, इधर इधर वे ये ले। अबे यार इसे लगी ही नहीं, लेकिन इसे ये बात पता चल गई कि हम लोग सीधा इधर से नीचे आ रहे हैं, तो वो पक्का इधर आ रहा होगा, उसे मैं नीचे आता हुआ यहाँ से दिख गया। एंड अभी ग्रैंडपा के आने से पहले उसे एक मुझे देना है तो थोड़ी सी तसल्ली देनी है। ठीक है अगर इधर से आए तो अच्छी बात है, या फिर वो इधर से आएगा पता नहीं। जल्दी से मैं अभी इस वाले डोर के सामने आ जाता हूँ, अगर उधर से आए तो कोई बात नहीं, मेन ज़्यादातर चांसेस है कि वो इधर से आए। एकदम मैंने बीच में यहाँ पे पॉइंट करके रखा हुआ है, एम करके रखा है। ठीक है ग्रैंडपा सामने है, एंड इसे मैंने मार दिया। ठीक है मारा नहीं इसे चक्कर आ गए। ठीक है तो मुझे इसकी शॉटगन छीननी है इससे, एंड ग्रैनी को मारना भाई भाड़ में जाए पहले। अबे शॉटगन देना, शॉटगन लिए जा रहा है बार बार इधर उधर। ठीक है तो अभी मैं मतलब इसे कोई बीमारी हो, ग्रैंडपा आपको मारना तो भूल ही गया है, शॉटगन के बिना बड़ा गंदा दिखता है, निकल इधर से। ओ ग्रैनी आ रही है, इसने जैसे ही एक फायर की आवाज़ सुनी आ गई। ठीक है क्या एमओ बची है, अभी इधर की एमओ मैंने यूज़ कर ली। ठीक है कोई नहीं अभी किचन में 2 एमओ और पड़ी है, उधर से मैं भी एक उठा लेता हूँ, ग्रैनी को मारने के बाद थोड़ा यार चैन हो जाएगा। ओके यार मुझे अभी इस वाले फ्लोर पे लैंड करना है, तो मैं भी थोड़ा ऐसे हो जाता हूँ यार। ओके आजा ग्रैनी अगर दम है तो, यदि माँ का दूध पिया ना तो इधर आ। मैंने तो यार शेरनी का पिया हुआ इसलिए इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ मैं, एंड ये ग्रैनी ने उधर क्यों ट्रैप लगाया, मैं इधर अब जाके आया हूँ।
मतलब 1000 घंटे बाद। ग्रैनी जल्दी आया, टाइम नहीं है, ये कितना टाइम लगाती है एक जगह आने में। और यार इतनी गंदी आवाज में ये मारती है ना, मतलब पता नहीं क्या फालतू ही चीज बोलती है, मालवा कुछ ऐसा ही ऐसा बोलती है। एंड अबे ये ग्रैनी इधर नहीं आने वाली, ठीक है मुझे ये बात अच्छे से पता चली। एक काम करता हूँ, इसे इस बार हाइट से ड्रॉप किया है, ज्यादा आवाज प्रोड्यूस हुई है, मेरे तो कान फट रहे इसकी आवाज से, लेकिन ग्रैनी को कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। आ जा बे अब तो आ जा, अबे इसे छोड़ यार, इसके चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। एक काम करता हूँ अभी इधर से ऐसे चलता हूँ, एंड अगर ग्रैनी आए तो आए, नहीं आना तो मत आ, लेकिन कम से कम बता दे कि आना है कि नहीं आना है। मतलब यार बता भी नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, तो ये गलत है। ठीक है अभी भाड़ में जाइए, मैं भी एक और गिराता हूँ। ओके यार मेरा फुल एम इस पे सेट है, एंड ये गन मारी। ओके ये नीचे गिरा, एंड अभी थोड़ा वेट करते हैं, अगर ग्रैनी आती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं अब वेट कर रहा। यस 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 ग्रैनी आई, ग्रैनी आई, आजा आजा ग्रैनी, इधर हूँ भाई, ठीक है आजा। अबे देख अब तू चल के मत जाना, चुपचाप इधर आ जा, तेरी तो चल चल के इधर उधर जा रही है। ठीक है अभी तो मैंने इसे खत्म कर दिया, एंड ग्रैनी का खेल खत्म। और अभी मुझे शॉटगन को भी कहीं छुपानी पड़ेगी। वैसे मुझे लगता है यार इस रूम में ग्रैंडपा कभी नहीं आता, इधर पे मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। अगर मैं मर गया तो यार ग्रैंडपा इधर आ जाएगा, और अगर नहीं मरा तो ग्रैंडपा इधर कभी नहीं आएगा। भाई साहब जल्दी से ये उठाते हैं, अबे यार अभी टाइम नहीं है, पहले छुपते हैं बिस्तर के नीचे, टाइम नहीं है अभी, कब एमो भरूं फिर ये सब करूं। ग्रैंडपा एकदम मुंह के सामने आ रखा है। ओके यार ये ग्रैंडपा ना शॉटगन के एमओ की आवाज सुन लेता है शायद, मतलब भाई इसने इतना जल्दी मेरे को वो दिया ना अपना रिस्पॉन्स। आजा बे तो बड़ा शॉटगन की आवाज सुन रहा है ना, आजा बे मेरे को दिखा शॉटगन की आवाज कैसे सुनते हैं। ठीक है तो अभी अबे आना जा, इसको देखो बेवकूफ को गया सोने। ठीक है अभी जुज करेगा ज्यादा है, मारना चाहिए पता है ये बात। ठीक है ग्रैंडपा को बेचारे को सोते सोते मैंने मार दिया। अभी मैं काम करता हूँ, पहले इसे एलिवेटर में लगा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ अभी मैं इसे पहले इधर से एलिवेटर में लगा देता हूँ, वेसल्स भी इसमें डाल देता हूँ, एंड एलिवेटर तो नीचे आ, ऊपर ही आई है नहीं है। ठीक है ऊपर से आएगी, पता चला एकदम मैं मर गया। ठीक है अभी आ नहीं रही क्या? ठीक है एलिवेटर यहाँ से आ चुका है एकदम अच्छे से। ये ले शॉटगन, अबे ले ले यार शॉटगन, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना जब ग्रैनी ग्रैंडपा तेरा मिसयूज करे। अबे मानता नहीं है यार ये एक बात, लेकिन तुझे पता है जो मैं करना चाहता हूँ वो करके ही मानता हूँ। ठीक है जैसे मैंने ग्रैनी ग्रैंडपा को भी मार दिया एस्केप करने के लिए, अभी एक ये वाला जो वेस है इससे भी मैं नीचे ड्रॉप करता हूँ। ओके यार मैं सब कुछ लेके यहाँ पे आ चुका हूँ, अभी इस लास्ट वाले के साथ मैं नीचे खुद भी ड्रॉप हो गया। एंड अभी देखो मुझे इसके अंदर ये वाला लिक्विड भरना है जहाँ अभी मैंने देखा है। हाँ इट्स फुल बेटर टू नॉट ड्रॉप इट, अगर मैंने इसे ड्रॉप किया तो इसका पूरा लिक्विड निकल जाएगा, तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब ये उसके ऊपर बैठेगा ही नहीं। ओके ग्रैंडपा आया अपनी शॉटगन देख के तो कुछ ज्यादा गुस्से में है, और अभी इसे एक मारा मैंने ये। ठीक है यार अगर उस टाइम में एक बार नहीं इनसे पिटा होता ना, तो भाई मैंने ग्रैनी 3 में भी एस्केप कर लिया होता बिना एक बार भी मरे। ठीक है यार सेकंड डे एस्केप करना इतना भी कोई बुरी बात नहीं है। एंड ग्रैनी डराती है, बच्चे को डराती है। ठीक है अभी मैंने इसे पीटा, एंड यार अब मुझे एस्केप करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मुझे ट्रेन का एक्सीलेटर उसमें मिल जाए तो यार एकदम ठीक है। बाकी यार मैंने 2 वेसल्स लगा दिए उधर, वेसल एंड वेस। एंड भाई यार इस पेड़ इसके अंदर मुझे कोकोनट एक मिल गया, एंड यार इसके अंदर भी कुछ है। ठीक है तो अगर इसके अंदर कुछ ऐसा अच्छा सा मिल जाए तो ठीक है। कॉइन, ओके यार कॉइन तो मुझे वहां पे टिकट परचेज करने के लिए चाहिए। एक काम करता हूँ मैं इसको पहले वहां पे ड्रॉप कर देता हूँ, पहले उधर पेडलॉक की से वो खोल लेता हूँ, और इलेक्ट्रिक स्विच भी मैं इधर से सीधा यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, तो फिर मेरा काम ताकि बाद में आसान हो जाए। ठीक है अभी मैंने इधर से कॉइन ड्रॉप कर दिया, पहले यार एक बार मैं पेडलॉक की से वहां पे जल्दी खोल लूँ, फिर इलेक्ट्रिक स्विच लगा के अपना सारा काम हो जाएगा। एंड यार उसके अंदर ट्रेन एक्सीलेटर मिलने के फुल चांसेस है, उसके अंदर हो सकता है ट्रेन एक्सीलेटर मुझे मिल जाए। एंड यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जो उस टाइम मुझे ग्रैंडपा ने मारा था, मतलब यार मैंने ग्रैनी चैप्टर 3 में भी बिना मरे एस्केप कर लिया होता, तो यार ये बहुत ज्यादा प्रो वाली मेरी बात हो जाती, लेकिन ठीक है अभी इसे भी यहाँ से हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। जल्दी मैं यहाँ पे पेडलॉक की लेकर आता हूँ। ओके यार मुझे उसके अंदर एक ट्रेन एक्सीलेटर मिल गया, एंड अभी जल्दी से कॉइन लेके यार रोबोट को दे देते हैं ताकि वो हम लोग के लिए अपना गेट वेट खोल के रेडी रहे। ठीक है यहाँ से मैंने टिकट निकाली, थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था भाई कब क्यों नहीं कर रहा। ठीक है एंड इस बार सायरन नहीं बजा, एंड
जल्दी कर जल्दी कर। ठीक है ठीक है, अभी अपने ट्रेन के गेट वेट खोल देगा, इतना मुझे पता है, क्योंकि ये बोल रहा था ना भैया टिकट एक्चुअली हम लोगों से मांग रहा होता है। भाई मुझे सेफ किसे कुछ खोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड भाई यहाँ पे कोई है? ठीक है यहाँ पे कोई नहीं है। एंड जल्दी से इलेक्ट्रिक स्विच लगा देते हैं एंड एक्सीलेटर लगा के ट्रेन की निकल लेके मुझे सीधा यहाँ से निकल जाना है। मतलब भाई मैं इसकी फुल एस्केप वाली वीडियो देख चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है अभी क्या क्या करना है। तो चल रोबोट अब तो उसको सायरन वायरन नहीं बजाएगा ना, ठीक है अभी अच्छा हो चुका है, अभी अच्छा रोबोट है यार, अभी गंदा रोबोट नहीं है, तो अभी हम लोग के लिए एकदम अच्छा रोबोट है। एंड यार जल्दी से मैं इसे बंद कर देता हूँ। भाई मैंने भाई पहली बार ग्रैंडी 3 खेला और मैं एस्केप भी करने वाला हूँ, वो भी ट्रेन। ठीक है यार, तो भाई ट्रेन एस्केप बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। ठीक है एंड सबसे ज़्यादा यार अगर मुझे उस टाइम नहीं मारा होता ना भाई, मैंने तो फिर एस्केप कर लिया होता बिना एक बार भी मरे, वो भी ग्रैनी चैप्टर 3 में। तो यार इसी बात से, ये बात मेरी हमेशा याद रखना, मतलब भाई मेरी कोई बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही वाली बात। तो यार मैं कभी एक और भी वीडियो डाल सकता हूँ जिसमें मैं इसमें एक बार भी नहीं मरा और मैंने ट्रेन एस्केप कर लिया, लेकिन जो भी हो रहा अभी इस वीडियो को मैं बिल्कुल नहीं डिलीट करने वाला, क्योंकि भाई मैंने तो इसमें कुछ ज़्यादा गेम ही बदल दिया पूरा। ठीक है सेकेंड डे भी मैंने कर दिया, अगर उस टाइम बस मैंने ये पहले नहीं खोला होता तो मुझे एक बार ग्रैंडपा ने मारा नहीं होता। एंड कुछ है भाई ग्रैनी वैनी? ग्रैनी ग्रैंडपा अभी कोई मत इधर नजर आओ। ठीक है भाई ये लोग इधर कभी नजर ही नहीं आते क्या, अगर हम लोग इनको बुलाते नहीं है? ठीक है भाई और सब हो गया, ट्रेन की मैंने उठा ली एंड अभी मैं कोई सीन पॉज नहीं करने वाला, जल्दी से बाहर चलते हैं, मेरे से रहा नहीं जा रहा। सो ठीक है यार इसके अंदर घुसो एंड गेट वेट बंद कर लेता हूँ ताकि ग्रैनी ग्रैंडपा ना आए। इसे भी बंद करो भाई, लगाओ ट्रेन की, अब कुछ नहीं चाहिए ना। भाई साहब ग्रैनी 3 खेला डे 1 में ही बिना एक बार भी मरे, आप ऐसा ही समझो कि डे 1 में बिना एक बार भी मरे भाई मैंने ट्रेन एस्केप कर लिया। एंड ये एक तेरी तो पीटा भाई है, पिट गया भाई, मैं सोचा भाई ये क्या एक्सीडेंट हुआ, बेचारे ग्रैनी ग्रैंडपा भाई देखते रह गए ये क्या हो गया भाई, एस्केप कर लिया हम लोग की आंखों के नजरों के सामने। अभी स्लेडरीना को कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इसे अपने सिर्फ बियर से मतलब, जो हम लोगों ने इसे दे दिया तो द एंड हो गया भाई। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि भाई ये मेरा गेम प्ले कुछ ज्यादा ही अच्छा था, मतलब समझ लो कि मैंने डे 1 पे बिना एक बार भी मरे एस्केप कर लिया, बस उस टाइम ग्रैंडपा मुझे दिख नहीं रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यार चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब भाई मैं इतनी गंदी वीडियो बनाता हूँ क्या कि कोई मेरा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब करता? तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, और उसके बाद देखना मैं और इंटरेस्टिंग गेम खेलूंगा। तो मिल गया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।